मध्य प्रदेश की डेली ताज़ा खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में पहली बार कंट्रोल में आया कोरोना। दो महीने में पहली बार 2000 से कम संक्रमित। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब काबू में आ गया है। कोरोना की दूसरी लहर, पहली बार कोरोना नियंत्रण में आया है। अब यहाँ पॉजिटिविटी रेट गिरकर 3% से कम रह गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन गाइडलाइन के मुताबिक अगर पॉजिटिविटी रेट 3% से कम हो तो कोरोना नियंत्रण में माना जाता है। ऐसे में ये निश्चित ही मध्य प्रदेश के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य में बुधवार को 1977 नए केस मिले हैं। इससे पहले 24 मार्च को 1885 संक्रमित मिले थे। मई के महीने में नए केस में हर दिन कमी आ रही है। ऐसे में 1 जून से प्रदेश में कर्फ्यू में ढील शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 45 दिन बाद 40,000 से नीचे आ गया। प्रदेश में 10 मई को मरीजों की संख्या 1,11,000 से ज़्यादा पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद से हर दिन एक्टिव केस कम होते जा रहे हैं। प्रदेश में इंदौर और भोपाल ही ऐसे जिले हैं जहां 100 से ज़्यादा नए संक्रमित मिले हैं। इंदौर में 577, भोपाल में 409 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि जबलपुर में 99, सागर में 96 व ग्वालियर में 51 नए केस दर्ज किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से अभी तक 7,828 मौतें हो चुकी है। इसमें 26 मई को ही 70 मौतें भी शामिल है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 38,327 हो गई है। मध्य प्रदेश में नौ तपे के बीच साइक्लोन यश से बदलेगा मौसम। इन 7 जिलों में येलो अलर्ट है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम में भी बंगाल की गाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यश का असर देखने को मिल सकता है। नौ तपा के बीच प्रदेश में कई गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती है। इसके अलावा रीवा, उज्जैन और शहडोल संभाग में भी गरज चमक के साथ बारिश पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि बंगाल की खाड़ी में तूफान की वजह से नमी बढ़ जाएगी, जिसका असर प्रदेश के शहडोल सहित रीवा संभाग पर पड़ेगा। चक्रवाती तूफान यश की वजह से 2 से 3 दिनों तक रीवा और शहडोल संभाग में बारिश की संभावना जताई। इसको लेकर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, इन जिलों के अलावा भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर सहित बालाघाट और सिवनी में भी गरज चमक के साथ बिजली चमकने और तेज हवा की संभावना जताई गई है। धीरे धीरे यह तूफान पश्चिम की ओर बढ़ेगा। इसके साथ ही इसके प्रभाव कम होते नजर आएंगे। पश्चिम की तरफ तूफान के बढ़ने से कई इलाकों में तेज हवा के साथ बौछारें पड़ सकती है, जिसको लेकर 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6,00,000 ग्रामीण पद्म विक्रेताओं को देंगे 1,000 रुपए की सहायता राशि। जी हां दोस्तों, ग्रामीण पद्म विक्रेताओं को प्रदेश सरकार द्वारा 1,000 रुपए सहायता राशि अनुदान स्वरूप दी जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगभग 6,00,000 हितग्राहियों को सामूहिक रूप से सहायता राशि का वितरण 28 मई को वर्चुअल समारोह में करेंगे। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कई छोटे छोटे व्यवसाय प्रभावित हुए। इस स्थिति में पद्म विक्रेताओं को तत्काल राहत पहुंचाने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है। कार्यक्रम मंत्रालय में 4:00 से होगा। जी हाँ दोस्तों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पद्म विक्रेता योजना के अंतर्गत अभी तक 2,00,000 से अधिक ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य जरूरतमंद पद्म विक्रेताओं को राज्य शासन गारंटी पर 10,000 रुपये का ऋण देकर लाभान्वित किया जा चुका है। 1 जून से सरकारी दफ्तर 50% क्षमता से खुलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में पाबंदियों के साथ 1 जून से अनलॉक की धीरे धीरे शुरुआत होगी। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या 50% रहेगी, लेकिन पंजीयन और एग्रीकल्चर कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। निर्माण कार्य और सर्विस प्रोवाइडर सेंटर की सेवा भी शुरू हो जाएगी। ये सहमति गुरुवार को मंत्री समूह की बैठक बनी है। बैठक में तय किया गया कि शादी समारोह में दोनों पक्षों से 20-20 लोगों की अनुमति रहेगी। देह संस्कार व मृत्यु भोज में भी 20-20 लोग शामिल हो सकेंगे। इस बार अंतिम 31 मई को मुख्यमंत्री के साथ बैठक में लिया जाएगा। राजनीतिक और धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे, लेकिन मंदिरों में एक समय में 2 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, राज्य की सीमाओं पर आगे भी सख्ती जारी रखने का फैसला इस बैठक में लिया गया। मॉल व सिनेमा हॉल फिलहाल बंद रहेंगे। गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या नहीं हो। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है किसी भी नगरीय निकाय तथा पंचायत क्षेत्र में ग्रीष्म काल में पेयजल की समस्या नहीं आनी चाहिए। जिन स्थानों पर जल स्तर नीचे जाने के कारण हेडपंप नहीं चल रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर वहां तत्काल बोरिंग की जाए। जिन नगरीय निकायों में पेयजल की समस्या है, वह अवश्य वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बैठक में बताया गया कि प्रदेश में स्थापित 5,54,025 हेड पंपों में से 95% से अधिक हेडपंप चालू है। जल स्तर नीचे जाने के कारण 20,580 हेड पंपों में से समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित 16,561 नल जल योजनाओं में से 15,630 योजनाएं संचालित है।
प्रदेश के 407 नगरीय निकायों में से 351 में प्रतिदिन और 56 में एक दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में खेतों से जुड़ी भूमि की विवाद खत्म करने के लिए नए सिरे से नक्शे बनाए जाएंगे। जी हां दोस्तों, प्रदेश में खेतों से जुड़े भूमि की विवाद खत्म करने के लिए नए सिरे से नक्शे बनाए जाएंगे। सबसे पहले उन गांव का चयन किया जाएगा जिनके नक्शे ही नहीं है। इसके बाद उन गांव को लिया जाएगा जहाँ कोई विवाद ही नहीं है। ये पूरा काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसमें किसी बाहरी एजेंसी की अब मदद नहीं ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये काम राजस्व विभाग के पटवारी करेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छिंदवाड़ा और इंदौर में महू के दो दो पटवारी हलकों से नक्शे बनाने की शुरुआत की गई है। पटवारी मौके पर जाकर नक्शे बनाएंगे, इससे विवाद की गुंजाइश खत्म होगी और कब्जे को लेकर स्थिति भी साफ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताई, प्रदेश में 1,49,00,000 खातेदार है और कसरे 3.5 करोड़ से ज्यादा है। विवाद निजी भूमि को लेकर आए दिन आते हैं। इन्हें सुलझाने में काफी परेशानी होती है क्योंकि नक्शे काफी पुराने हो चुके हैं। इसकी वजह से सीमा को लेकर झंझट होती है और जो नक्शे मौजूद भी है उनमें काफी त्रुटियां। इसे देखते हुए नए सिरे से GIS तकनीकी से नक्शे बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। 5 एक्टिव केस तो गांव घोषित होंगे रेड जोन। जी हां दोस्तों, वैसे तो प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। शहरों के साथ ही गांव में भी अब संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। इधर राज्य सरकार अगले कुछ दिन में बेहद सख्ती बरतने के मूड में है जिससे कि प्रदेश के अधिकांश गाँव को कोरोना संक्रमण से मुक्त किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए राज्य सरकार ने कड़े नियम तय कर दिए गए हैं। इसके तहत यदि किसी गांव में 5 एक्टिव केस होंगे तो ऐसे गांव को रेड जोन घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह यदि 4 एक्टिव केस है तो ऐसे गांव को येलो जोन घोषित किया जाएगा। ऐसे गांव जहां एक भी एक्टिव केस नहीं होंगे उसी गाँव को ही ग्रीन जोन घोषित किया जाएगा। राज्य सरकार ने ये नियम लागू कर दिया है। इसी के साथ प्रदेश में 3 अभियान को मिली सफलता के बाद किल कोरोना अभियान एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। अभियान का 4था चरण 25 मई से शुरू कर दिया गया है। ये अभियान 1 सप्ताह यानी 31 मई तक चलाया जाएगा। एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं से 12वीं की पढ़ाई 15 जून से शुरू हो जाएगी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग ने कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर खतरे के बीच 9वीं शिक्षा सत्र शुरू करने की प्लानिंग कर ली है। दिनांक 15 जून 2021 से कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इससे पहले कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तैयारी पूरी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल नियमित कक्षाओं के संचालन शुरू करने की स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग तैयार नहीं है। ऐसे में दूरदर्शन रेडियो के माध्यम से कक्षाओं की शुरुआत की जाएगी। 15 जून से कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम क्लासरूम का दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारण शुरू किया जाएगा। बताया जाता है कि इसके लिए पाठ्य सामग्री से संबंधित विषय वस्तुओं के वीडियो तैयार कराया जाएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री दूरदर्शन के माध्यम से सप्ताह में 5 दिन ही दी जाएगी। प्रत्येक कक्षा के लिए 1 घंटे का प्रसारण किया जाएगा। फिर बड़े पेट्रोल और डीजल के दाम, बोले कमलनाथ, जनता की जान लेगी सरकार है। जी हां दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के दाम जारी कर दिए हैं। वही डीजल कीमत में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वही पेट्रोल के दाम 24 पैसे प्रति लीटर बढ़े। इसके बाद दिल्ली में जहाँ पेट्रोल कीमत बढ़कर 93.68 रुपये प्रति लीटर पहुँच गई, वही डीजल 84.61 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल कीमत 100 रुपये के पार पहुंच गई जिस पर अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार को घेरने का काम किया। जी हां दोस्तों, एक के बाद एक ट्वीट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि 5 राज्य में चुनाव संपन्न होते ही जनता पर पेट्रोल और डीजल की मार जारी हो गई है। पेट्रोल और डीजल कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। 2 मई से अभी तक 14 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। 24 दिन में पेट्रोल 3.21 रुपये जबकि डीजल 3.91 रुपये प्रति लीटर महंगा किया गया है। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि एक तरफ कोरोना का संकट, दूसरी तरफ दाल, खाने का तेल, खाद्य पदार्थों की कीमत में चरम पर पहुंच रही है। अब की बार महंगाई से राहत दिलाने का नारा देकर सत्ता में आने वाली पार्टी ने महंगाई को आसमान पर पहुंचाया है और अब नया सामने आया कि अब की बार महंगाई से जनता की जान लेगी सरकार। वनों और वन्य प्राणियों को नुकसान पहुंचाए बिना कराए जाए विकास कार्य। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में वन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली अनुमतियों में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि विकास कार्यों से प्रदेश के वनों एवं वन्य प्राणियों को कोई नुकसान न हो। वन्य प्राणियों के विरुद्ध अपराध करने वालों के विरुद्ध न केवल तुरंत कार्रवाई हो बल्कि उन्हें सजा भी मिलना भी सुनिश्चित किया जाए। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान, जंगली जानवरों से जनता को कोई हानि न हो इसके लिए पूरे प्रयास किए जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हां दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में इस वीडियो को